पाकिस्तान में मंगलवार को जबरदस्त हिंसा भड़क गई। इस दौरान कई शहरों में पुलिस और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी TLP यानी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। दरअसल TLP पिछले कई महीनों से फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को TLP के मुखिया साद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक हिंसा में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। वहीं TLP ने भी अपने 12 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया है। इस पूरे तनाव के बाद लाहौर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। TLP के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कें जाम कर रखी हैं, जिससे वहां 800 से ज्यादा भारतीय सिख फंस गए हैं। 12 अप्रैल को बैसाखी मनाने के लिए 815 सिखों का जत्था वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। ये वहां स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब के दर्शन करने के लिए गए हैं, लेकिन वो अब तक गुरुद्वारा नहीं पहुंच सके। न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि मंगलवार को 25 बसों से इन सिखों को गुरुद्वारा पंजा साहिब ले जाया जा रहा था, लेकिन हिंसा भड़कने की वजह से रोड ब्लॉक कर दी गई थी। इस वजह से सिख श्रद्धालु लाहौर में ही फंस गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारी का कहना है कि बुधवार को सिखों को गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले साल नवंबर में क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था। बाद में कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मैक्रों ने टीचर का समर्थन किया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान में फ्रांस को लेकर नाराजगी है। तब से ही TLP पार्टी फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग कर रही है। नवंबर में ही पाकिस्तानी सरकार और TLP पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ कि इस मसले को 3 महीने में संसद के जरिए सुलझाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।